हेलो एंड वेलकम बैक टू सरकारी परीक्षा डॉट कॉम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नवंबर 2019 के फोर्थ वीक पे जो कुछ इवेंट्स हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, उन पे क्या एमसीक्यूज बन सकते हैं, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, तो उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन जो हैं वो टॉप 10 क्वेश्चन हैं, मतलब हम 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, पूरा ध्यान से सुनिएगा। जो नोट करने वाले पॉइंट हैं उसको आप नोट करिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन दूंगा, मतलब 10 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है, और वर्बली भी आपसे कुछ बताता जाऊँगा यहाँ पे, तो उनमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे उसको नोट डाउन आप जरूर करिएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए इसको हम आगे शुरू करते हैं अपना। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, 21 नवंबर 2019 को श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे शपथ दिलाई गई है? तो ऑप्शन है यहाँ पे, रानिल विक्रम सिंधे, या चंद्रिका कुमार तुंगा, या महिंदा राजपक्षे, या डीएम जयरत्ने। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है महिंदा राजपक्षे हैं। ठीक है, तो अगर आपने न्यूज़ पढ़ी हो तो थोड़ा इनके बारे में आप पहले से भी जानते होंगे, अगर आप अवेयर हैं श्रीलंका के करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल करंट अफेयर्स के प्रति। तो प्रधानमंत्री के रूप में महिंदा का यह दूसरा कार्यकाल है। ठीक है, महिंदा राजपक्षे 2005 से 2015 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, और वर्ष 2018 में वो कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री भी रहे थे। ठीक है, तो ये पॉइंट दिमाग में रखिए। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं। महिंदा राजपक्षे जो अभी हाल ही में राष्ट्रपति वहाँ पे इलेक्ट हुए हैं, गोटाबाया राजपक्षे, उनके बड़े भाई हैं, ये भी आपको दिमाग में रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि किस देश में हाल ही में दो भाई जो हैं वो शीर्ष पद पर हैं, या डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि एक भाई राष्ट्रपति, एक भाई प्रधानमंत्री है। ठीक है, तो इसको ज़रूर आप नोट करिए और इसमें क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखते हैं, ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी दुनिया के किस नंबर के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं? 5वें, 7वें, 12वें या 9वें? तो यहाँ पे राइट आंसर है 12वें। ठीक है, तो ये मुकेश अंबानी जो है 12वें पोजीशन पे आ गए हैं पूरे वर्ल्ड में। तो इस इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी की जो संपत्ति है वो इस साल उन्होंने जो आंका है वो ये है कि 12 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है उनकी संपत्ति में। ठीक है, इसके साथ ही वो एशिया के सबसे धनी व्यक्ति भी हो गए हैं, और दुनिया के धनवानों की सूची में मैं अगर आपको बताऊं तो आपको पता ही होगा कि नंबर वन पे क्या है। नंबर वन पे इस समय माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स सबसे ऊपर हैं, और अमेजॉन के जो जेब बेजोस हैं वो दूसरे नंबर पे आ चुके हैं, और बेनॉर्ड अर्नॉल्ड तीसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं, वहीं वॉरेन बफे चौथे, और जुकरबर्ग सबसे पांचवे सबसे धनी व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी आप दिमाग में रखिए। पूछा जा सकता है तीसरा कौन सबसे धनी है, चौथा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कौन सी कंपनी अपने 138 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया की छठी बड़ी तेल कंपनी बन गई है? ऑप्शंस हैं, चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉर्प, या CNPC इसको बोलते हैं, सिनोपेक, RIL, या सऊदी अरामको। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है RIL। ठीक है, तो मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली है ये कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज इसको आप बोलते हैं। ठीक है, अब दुनिया की छठी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है तेल कंपनी, और इसका जो पूंजीकरण बताया गया है, बाज़ार पूंजीकरण बताया गया है अब तक इस समय जो है वो 138 अरब डॉलर के आसपास हो गया है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है RIL के लिए, इसको आप नोट कर लें, क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखते हैं, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? महिला जयवर्धने, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, या जोसेफ एडवर्ड रूट। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं क्रिकेट में तो ज़रूर आपको आंसर मालूम होगा ये। ठीक है, तो ये विराट कोहली हैं। ठीक है, तो विराट कोहली, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता जा रहा हूँ, थोड़ा उसको भी आप नोट करते जाएं। विराट कोहली जो हैं वो बतौर कप्तान टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, दूसरा ये भी बन सकता है कि वो किस नंबर के
कप्तान बने हैं जो ये मुकाम हासिल किया है उन्होंने, ठीक है, जो उपलब्धि उनको मिली है, ठीक है, तो वो छठे कप्तान बने हैं पूरे वर्ल्ड में, ये भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट है कैप्टन विराट कोहली जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान थे रिकी पोंटिंग, उनको भी इस चीज़ में पिछाड़ चुके हैं, ठीक है, मतलब इसके पहले जो लेटेस्ट कारनामा हुआ था इसमें वो रिकी पोंटिंग के थ्रू हुआ था और विराट कोहली ने उनको पछाड़ दिया है, ठीक है। तो विराट कोहली ने अपनी कप्तानी में ये 53वां टेस्ट मैच खेलते हुए, और अगर इसमें पारी की बात बोली जाए तो 86वीं पारी थी, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं दोस्तों, देखिए क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप नोट कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से स्टडी करना चाह रहे हैं, कितना डिटेल में आप जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप नोट कर सकते हैं ये इनका 53वां टेस्ट मैच था और 86वीं पारी थी इनकी, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है इसमें कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि ये किस मैच में कारनामा हुआ, ठीक है। तो ये अभी आपको पता ही है कि बांग्लादेश के खिलाफ पिंक बॉल से खेले जा रहे डे नाइट टेस्ट मैच में ये बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और आ गया है, पिंक बॉल, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पिंक बॉल, क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि पिंक बॉल किस फॉर्मेट में यूज़ की जाती है, मतलब किस टाइप के मैच में यूज़ की जाती है, वनडे में, T20 में या टेस्ट में, और टेस्ट में भी तो मतलब डे नाइट में होता है या डे टू डे, ठीक है। तो और यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो पिंक बॉल इंट्रोड्यूस की गई थी वो सबसे पहले किस इंटरनेशनल मैच में यूज़ की गई थी, ठीक है, किन किन कंट्रीज ने खेला था, किस ईयर में इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि पिंक बॉल से सबसे पहले सेंचुरी जड़ने वाले व्यक्ति कौन थे, ठीक है, विकेट लेने वाले कौन थे, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप इसको डिटेल में सर्च करके एक नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल का विस्तार करके इसकी रिपोर्ट किस तिथि को पेश करने की मान्यता दी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं 30 अक्टूबर 2020 एंड 30 नवंबर 2020, और नेक्स्ट जो हैं वो 30 दिसंबर 2020 एंड 15 अक्टूबर 2020, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा जी, अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो राइट आंसर यहाँ पे होगा 30 अक्टूबर 2020, ठीक है। तो 15th फाइनेंस कमीशन जो है वो उसको हेड करने वाले इस समय एनके सिंह हैं, ठीक है, और इनको अपनी जो रिपोर्ट है वो 30 नवंबर को सबमिट करनी थी, 30 नवंबर 2019 को, लेकिन अभी ये डेट एक्सटेंड कर दी गई है और ये डेट है 30 अक्टूबर 2020, ठीक है। और ये जो एक्सटेंशन हुआ है वो सेकेंड टाइम एक्सटेंशन हुआ है, ठीक है, कमीशन का सेकेंड टाइम एक्सटेंशन हुआ है, ठीक है। तो वित्त आयोग जो है वो इसके बारे में आप तो जानते ही होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ, वैसे आपको जानना चाहिए, जितने भी कमीशन्स हैं अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं वनडे एग्ज़ाम्स, ठीक है, चाहे वो IAS हो, चाहे वो PCS हो, चाहे वो SSC के एग्ज़ाम्स हों, उसमें जो कमीशन्स हैं, जो कमिटीज़ हैं और जो प्लानिंग होती हैं, इनके बारे में तो आपको ज़रूर ज़रूर पढ़ना है, क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो भारतीय वित्त आयोग जो है वो 1951 में बनाया गया था, ठीक है, इसका अस्तित्व जो है वो 1951 में हुआ, और इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा संविधान की एक धारा के अंतर्गत किया जाता है, और वो धारा है 280, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करें, धारा क्या है 280, ठीक है। और इस आयोग को जो बेसिकली बनाया गया था उसका जो पर्पस था वो ये था कि केंद्र और राज्य के बीच जो वित्तीय संबंध होते हैं, ठीक है, उन संबंधों में किस तरीके की, मतलब वो संबंध किस तरीके से डिफाइन करने हैं, उनमें किस तरीके से नई डेफिनेशंस जोड़ी जानी हैं, क्या मतलब टैक्सेशन रूल्स क्या होने चाहिए, किस तरीके से हम टैक्सेस को लिक्विडेट कर सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। तो ये समय समय पे वित्त आयोग बनाए जाते हैं, ठीक है, और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 5 साल के लिए होता है, हर 5 साल में बनाया जाना होता है वित्त आयोग, ठीक है।
तो इसका जो आयोग मतलब इस वित्त आयोग के गठन का जो अधिकार है वो बेसिकली राष्ट्रपति के पास ही है, ठीक है। और राष्ट्रपति द्वारा इसमें एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो केंद्र की बात हो गई, इसमें राज्य स्तर पे भी वित्त आयोग गठित किए जाते हैं, ठीक है। और उसमें जो संविधान की धारा है या जो अनुच्छेद है उसको आप 243(1) जान सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब राज्य वित्त आयोग का जो गठन होता है वो संविधान के अनुच्छेद 243(1) के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लें। इसमें आगे बढ़ते हैं अब। नवंबर 26, 2019 में किस प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट का निधन हो गया है? ऑप्शंस देखिए यहाँ पे, आर के लक्ष्मण, सुधीर दर, सतीश आचार्य या अबू अब्राहम, ठीक है। तो बताइए इसमें क्या होगा करेक्ट आंसर। अगर आपको यहाँ पे पता है तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा वो सुधीर दर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको यहाँ पे इसको दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। सुधीर दर एक बहुत ही फेमस कार्टूनिस्ट थे, ठीक है। तो उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और भी यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये भी बहुत ही फेमस कार्टूनिस्ट रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है, और अगर इनके बारे में डिटेल में जानना है तो आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। आर के लक्ष्मण इसमें बहुत ही वेल नोन मतलब कि बहुत ही फेमस कार्टूनिस्ट थे, ठीक है। तो इसको आप दिमाग में रखिए, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 7th है। हाल ही में घोषित टाइगर रिजर्व के रूप में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, ठीक है। ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़, ठीक है। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ये अभी अनाउंसमेंट की है, ठीक है। अनाउंसमेंट ये थी कि ये अब टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाएगा, ठीक है। जाना जाएगा नहीं मतलब ये जब चीज़ घोषित होती है तो उसके टाइम में बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशंस उसमें टूल्स जोड़े जाते हैं जिसके थ्रू वहाँ पे टाइगर रिजर्व फुलफिल हो पाता है, मतलब वहाँ पे टाइगर्स को बचाया जा सकता है या उनका बेसिकली मतलब खास ख्याल रखा जाता है। तो ये छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित है, ये भी आप जान लें। और इसकी जो स्थापना है वो 2001 में की गई थी। 2001 आपको तो पता ही है कि 2000 में क्या हुआ था कि मध्य प्रदेश का पार्टीशन हुआ था, ठीक है। उसमें छत्तीसगढ़ उसका पार्ट हुआ था। तो मतलब ये जो उद्यान है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, पहले ये जब मतलब जब सिंगल स्टेट था मध्य प्रदेश, तो वहाँ पे संजय राष्ट्रीय उद्यान है तो उसका ये पार्ट था, ठीक है। और ये सिंधी मध्य प्रदेश का भाग था, ठीक है। तो अब जो है ये गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है, और बहुत ही मतलब एक ऐसा ये इम्पोर्टेंट इसमें उद्यान है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको ज़रूर आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अरपा नदी एक बहती है, अरपा नदी भी, अरपा नदी का जो उद्गम है वो भी यही माना गया है, ठीक है, इसी उद्यान के अंदर, ठीक है। और अगर इसमें हम जीवों की बात करें, कौन कौन से जीव, कौन से जानवर यहाँ पे निवास करते हैं, तो जैसे बाघ है, तेंदुआ है, गौर है, चिंकारा है, कोडरी एक बोला जाता है, सांभर है, भेड़िया भी है, ऊद बिलाव, नीलगाय, भालू, लंगूर, बहुत सारे मतलब खरगोश, बंदर, ये सब जितने जंगली कुत्ता, स्यार, लोमड़ी, ठीक है। और पक्षियों में भी वहाँ पे मुर्गे, मोर, ठीक है, चील, बहुत सारे वहाँ पे पशु पक्षी निवास करते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये राष्ट्रीय उद्यान है, इसको आप नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस व्यक्ति की जयंती के रूप में मनाई जाती है, ठीक है। तो इसको आप बताइए आंसर क्या होगा। यहाँ पे अगर आप जानते हैं तो आंसर होगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है। इनके बारे में आपको तो पता ही होगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो हैं वो फादर ऑफ द वाइट रिवोल्यूशन, ठीक
बोला जाता है उनको, ठीक है, श्वेत क्रांति के पिता बोले जाते हैं, ठीक है। और वो एक सोशल एंटरप्रेन्योर थे, ठीक है। उनका जो आइडिया था बिलियन लीटर आइडिया, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब हेल्पफुल रहा है। रूरल जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात आती है तो उसमें ये इनका जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो बहुत ही हेल्पफुल रहा है, ठीक है। तो ये फार्मिंग जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट सेल्फ सस्टेनिंग इंडस्ट्री बन चुकी है, ठीक है। और ये मतलब वर्गीज कुरियन ने जिस तरीके से, जैसे अगर आप अमूल का नाम सुन रहे हैं तो अमूल का जो फुल फॉर्म होता है उसका मतलब है आणंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है। तो उस यूनियन को बनाने में बहुत बड़ा योगदान इनका रहा है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का, ठीक है। उसके बारे में डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और भी यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे आर एस शोड़ी है, देवेंद्र शाह हैं, एस नागराजन है। तो आर एस शोड़ी जो हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अमूल पे, ठीक है। और देवेंद्र शाह जो हैं वो प्रेजेंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पराग मिल के, और एस नागराजन जो हैं वो मदर डेयरी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, स्ट्रेटेजी के एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर्च्यून द्वारा बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 में नंबर एक स्थान किसे दिया गया? मुकेश अंबानी, सत्य नडेला, या सुंदर पिचई, या जेफ बेजोस? तो बताइए आंसर क्या होगा। यहाँ पे आंसर होगा सत्य नडेला, ठीक है। तो सत्य नडेला तो आपको पता ही है, ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन में। 2019 के पुरस्कार के लिए किसे पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शंस हैं विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, या वीरेंद्र सहवाग, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो विराट कोहली है जी। अभी आपको याद होगा न्यूज आई थी बीच में, ठीक है, मई जून में खूब ही न्यूज चली थी, सोशल मीडिया पे भी खूब चली थी कि विराट कोहली जो है वो एक अजमेर में, सॉरी आमेर के किले में एक हाथी थी, ठीक है, जिसका नाम है मालती, ठीक है, उसको छोड़ने के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहे थे अधिकारियों को, उन्होंने पत्र भी लिखा था कि उसको छोड़ दिया जाए, ठीक है। उसका मतलब ये दिखाया जा रहा था कि उसका टॉर्चर, उसके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, ठीक है। तो पेटा ने ये मतलब पेटा को विराट कोहली का ये प्रयास बहुत अच्छा लगा, ठीक है, उन्होंने तो पर्सन ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कृत करके उनको ये सम्मान दिया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, यहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत ही बेसिक पॉइंट्स थे जिन पे आप जनरली ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको आप ज़रूर क्वेश्चन को पढ़िए, बनाइए अपने खुद से, और ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स को जानने के लिए आप हमारी सरकारी परीक्षा .com वेबसाइट पे जरूर विजिट करें। वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स एक टैब मिलेगी, वहाँ पे आप जाइए और अपनी डिजायर्ड जो कैटेगरी है जिसमें आपको समझ में आ रहा है कि आप वहाँ पे ज़्यादा अपडेटेड नहीं हैं, तो उस डिजायर्ड कैटेगरी में जाइए, वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो आपको दिखेगी और आप डेली की न्यूज़ वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप तैयारी करते रहिए अच्छे से, करंट अफेयर्स को मजबूत करते रहिए, और कोशिश करिए कि उस करंट अफेयर क्वेश्चन से या उस करंट अफेयर न्यूज़ से क्या स्टेटिक जीके का पार्ट आपका मजबूत हो सकता है, क्या आप नई स्टेटिक जीके फाइंड कर सकते हैं, उसकी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो हर मतलब आपकी जो क्वेश्चंस को समझने की और याद करने की जो प्रवृत्ति होनी चाहिए वो मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, ठीक है। आप उसको कई डायमेंशन में बांट सकते हैं कि वो करंट अफेयर में भी है, स्टेटिक जीके में भी है, ठीक है, और भी उसमें क्या जानकारी जोड़ी जा सकती है, ठीक है। तो ये जब आप इस तरह करने लगेंगे तो आपका एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच आने लगेगा, इस तरीके से क्या होगा आपका डिस्क्रिप्टिव कॉन्सेप्ट भी अच्छे से तैयार होगा, आप कई चीज़ों के बारे में ढंग से सोच सकते हैं और उनके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, कई बार कुछ एग्जाम्स हैं जहाँ पे आपसे समसामयिक मुद्दों पे निबंध लिखने के लिए बोला जाता है, ठीक है, आईएएस के अलावा भी कुछ एग्जाम्स हैं जहाँ पे ये पूछा जाता है, तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आप
मल्टी डायमेंशनल तरीके से सोचेंगे, उसकी तैयारी करेंगे, उसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इनको आप जरूर नोट करें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।